नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी नाइन झटपट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। वीकेंड में फैमिली के साथ लंच या डिनर की प्लानिंग को भी अब महंगाई की नज़र लग गई है। बढ़ती खाद्य महंगाई से निपटने के लिए फाइन डाइनिंग और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स, बार्स और कैफे भी अपने यहाँ कीमत बढ़ा रहे हैं। यहाँ खाने पीने की चीज़ों के दाम 15% तक बढ़ चुके हैं। कई रेस्टोरेंट चेन ने डिस्काउंट घटाने और दाम बढ़ाने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि पिछले 3 महीनों में कच्चे माल की लागत 7% से लेकर 30% तक बढ़ चुकी है। महंगाई की ये मार केवल रेस्टोरेंट पर ही नहीं पड़ रही, बल्कि ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग करना भी महंगा हो गया है। डोमिनोज पिज्ज़ा, KFC और पिज्ज़ा हट पहले ही अपने दाम बढ़ा चुके हैं। मेनलैंड चाइना, एशिया किचन और सिगरी ग्लोबल ग्रिल जैसे ब्रांड्स का संचालन करने वाले स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के चेयरमैन अंजन चटर्जी का कहना है कि रूस यूक्रेन युद्ध से इतना ज़्यादा असर पड़ेगा, उन्होंने यह कभी नहीं सोचा था। सनफ्लावर ऑयल और पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसे में रेस्टोरेंट संचालकों के पास ग्राहकों के लिए दाम बढ़ाने के अलावा अब कोई और चारा नहीं बचा है। जानकारों की माने तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज पर ईंधन, डेयरी, सब्जियों और पोल्ट्री जैसे सामानों के महंगा होने की मार पड़ रही है। इसके अलावा बिजली की बढ़ती कीमतों ने इस इंडस्ट्री की समस्या को और बढ़ा दिया है। इसके अलावा रूस यूक्रेन जंग के चलते भी सप्लाई चेन बाधित हुई है। इस वजह से ग्लोबल लेवल पर अनाज का प्रोडक्शन, खाद्य तेलों की आपूर्ति और उर्वरक के एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है। इस वजह से भी खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले वनस्पति तेल पाम ऑयल की कीमतों में इस साल लगभग 50% की बढ़ोतरी हो चुकी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI द्वारा मापी गई महंगाई फरवरी के महीने में 6.07% थी। जनवरी में रिटेल इन्फ्लेशन 6.1% दर्ज की गई थी। मार्च महीने में फूड इन्फ्लेशन बढ़कर 7.68% हो गई, जो कि फरवरी में 5.85% थी। ये लगातार तीसरा महीना है जब इन्फ्लेशन रेट RBI की 6% की ऊपरी लिमिट से ऊपर निकल गई है। भारत में दो तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरी थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI भी कहते हैं। वहीं होलसेल प्राइस इंडेक्स का अर्थ उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। ये कीमतें थोक में किए गए सौदों से जुड़ी होती हैं। दोनों तरह की महंगाई को मापने के लिए अलग अलग आइटम को शामिल किया जाता है। तो ऐसे में जाहिर है, जब रॉ मटेरियल के दाम बढ़ेंगे तो इससे रेडी होने वाले प्रोडक्ट्स भी महंगे होंगे और आप और हम जैसे ग्राहकों को इसका सामना करना पड़ेगा।